नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमैग्नेट, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। हमें सिर्फ ये लगता है कि आयरन और स्टील ये ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितने भी मैटर हैं वह कुछ न कुछ हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर उन पर इफेक्ट हो पड़ता है। अब इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो है जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज होने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होती है। कहने का मतलब है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है और वो इफेक्ट रिवर्स डायरेक्शन पर होता है। अब इस इफेक्ट को जो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट है, उसे आसानी से फील नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट इस इफेक्ट को देखा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ग्लास एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब ये मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वो बहुत ही कम होता है, जो कि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होता है। वहीं दूसरे शब्दों में कहूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज जिंग फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अलोंग होती है और इस फोर्स का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, जो कि इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता बिना एक्सपेरिमेंट के। सम कॉमन एग्जांपल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर, लिक्विड ऑक्सीजन, मैंगनीज, क्रोमियम एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती है। कहने का मतलब यह है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड पर लाने पर, और ये इस फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, और इस फोर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आयरन पीस आर इजीली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। अब ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर अलग अलग तरह से क्यों मैग्नेटाइज होते हैं? कुछ मटेरियल वीकली अट्रैक्ट और रिपल होते हैं और वहीं कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एटम की। अगर एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पाथ में रिवॉल्व करता है और उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी एक्सेस पर स्पिन करता है। स्पिन करने की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। जहां इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। कहने का मतलब है ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्पेस पर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। अब इन ऑर्बिटल का स्पेस अलग अलग होता है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनकी शेप अलग अलग होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन्हीं रीजन में इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। दोस्तों, केमिस्ट्री का टॉपिक है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, केवल समझाने के पर्पज से मैंने ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में जानकारी दी है। कहने का मतलब अब है थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से एक छोटा करंट लूप क्रिएट होता है, जिस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। एक मैग्नेट की तरह
बिहेव करता है। एक बात और जानने वाली है, जिस एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और इस मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का रिवर्स अपोजिट स्पिन होने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो जीरो होता है, क्योंकि स्पिन रिवर्स होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली सेटिस्फाई होता है, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे, तो उस मटेरियल पर नेट मैग्नेटिक स्पिन जीरो होने की वजह से जब एक्सटर्नल फील्ड में लाया जाता है, तब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत कम होता है, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वहीं जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका नेट मैग्नेटिक स्पिन होता है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर स्पिन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है, जैसे पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एक एक कर समझ लेते हैं डाई पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में लाने। और सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूंगा। हमें पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक स्पिन है वो जीरो है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। तो होता क्या है कि ये कैसे रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ही कम मैग्नेटाइज होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है। इस फोर्स के रिस्पांस में इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है, इसी कारण स्पीड रिवॉल्विंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। वहीं जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, तब इलेक्ट्रॉन पर इनवर्ड फोर्स लगता है, तब इलेक्ट्रॉन की सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से स्पीड रिवॉल्विंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण डायमैग्नेटिक मटेरियल फीवली मैग्नेटाइज होते हैं अलोंग द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, तब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लेस होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, जिस वजह से ये देखा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ, वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। है ये बहुत ही फीबल है, जिसको डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता। साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, अब पैरामैग्नेटिज्म की बात कर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है कि जो उसके आउटर मोस्ट सेल में के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंगल होता है, जिसका जो नेट मैग्नेटिक स्पिन है वो कैंसिल नहीं हो पाता, जिस वजह से उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट हर एटम में होगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको ये एरो के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इंटरनल पैरामैग्नेटिज्म का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्मल एगिटेशन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एटम्स वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, तो तब इसका इंटरनल मैग्नेटिक डाइपोल है वो अलाइन कर जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पर लेकिन थर्मल एजिटेशन क्या करता है, इसमें अवरोध पैदा करता है, इसको अलाइन नहीं होने देता। तो कहने का मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जब टेम्परेचर लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, मोर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डाइपोल अलाइन करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर लो हो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दिया जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो मैग्नेटिक डाइपोल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एटम के आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक स्पिन है वो रहता है, जिस वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन ऐसा तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अंतर क्या है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम क्या करते हैं उनको जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो अलाइन कर जाते हैं एक डायरेक्शन में, और इन ग्रुप्स के अलाइनमेंट को डोमेन बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन क्रिएट हो जाते हैं और जो इन ग्रुप्स के डायपोल मूवमेंट हैं हर सिंगल डोमेन के अंदर एटम्स के ग्रुप का मैग्नेटिक अलाइनमेंट होता है जो कि पैरेलल होता है। अब ये डोमेन सब्सटेंस में रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब इस ओरिएंटेशन की वजह से हर डोमेन के इफेक्ट को वो आपस में कैंसिल कर देते हैं और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो ये जो इसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अलाइन करते हैं, जिससे स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ऐसा आयरन और मैग्नेट के केस में होता है। ये स्ट्रांग मैग्नेटिज्म इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एटम्स ग्रुप में अरेंज हैं उनके मैग्नेटिक डायपोल्स जो कि डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से स्ट्रांग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होने पर अब ये डोमेन्स क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल फील्ड की तरफ अलाइन करने की कोशिश करते हैं स्ट्रांगली, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जाता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अलाइन करते हैं। पर अब कहने का मतलब ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल अलाइनमेंट है हर सिंगल एटम का वो डिस्टर्ब होने लगता है, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस समय ये डोमेन का जो अलाइनमेंट है हर सिंगल एटम का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और उस टेम्परेचर के बाद ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।